न्यूज के हमारे व्यूअर्स का स्वागत है। आज हम अपने दर्शकों के साथ डिस्कस करेंगे करेले की खेती कैसे करेंगे। तो हालांकि ये कुछ बेल मेरी अभी जमी हुई है करेले की, और इस वक्त हम दोबारा से करेला बो रहे हैं यहाँ पे इस स्थान पे। ये करेले के बीज हैं, मैं बता दूँ ये हैं, ये करेले के बीज हैं, इनको बोएंगे। और देखो पहले मिट्टी बनानी पड़ती है, कैसे बनाते हैं मैं अपने दोस्तों को बता दूँ। ये हमने केंचुआ खाद और मिट्टी मिला के ये पहले बना लिया, बेड बना लिया इसके लिए। ये देखिए आप, ये बहुत ऐसी मिक्स कर रखी है, 50-50 है, बराबर है केंचुआ खाद और ये। अब हम इसमें एक एक फिट की दूरी पे बीज बोएंगे। हम अपने ये बता दें, ये ज़्यादा नहीं, बस इतना सा छेद बनाना है। और ये देखिए, हालांकि देखिए ये बीज है, ये इसमें डाल दिया है और ये बंद कर दिया है। और मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं कि कुछ लोग भिगो के सलाह देते हैं कि करेले को भिगा के उगाइए, तो भिगा के उगाने की ज़रूरत नहीं है, और ऐसे ही बोइए आप। और नमी होनी चाहिए इसमें और ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए, नहीं तो बीज सड़ जाएगा। ये है और ये हमारा एक हफ्ते में उग जाएगा यहाँ पे। और ये पहले से ही हमारे कुछ उगे हुए हैं, ये मैं आपने व्यूअर्स को बता रहा हूँ, ये पहले से उगे हुए हैं। और इस बात का ध्यान रखिए कि इसमें खाद बराबर मेंटेन हो, ये छोटे पौधे हैं हमारे, तो एक बेड ये हमने यहाँ बना रखी है, पहले मिक्स कर रखा है इसमें। ये देखिए आपने, ये खाद है इसमें केंचुए की भी है और अन्य किसी प्रकार की कोई खाद नहीं डाली गई है। ये हम ये बीज डाल रहे हैं और ये बराबर दूरी पे, एक एक फिट की दूरी पे हम बो रहे हैं इसमें। ये बस ये करना है इस तरह से। ये है मूल मंत्र करेले की खेती का। और करेले के लिए आगे हम ये जो ये खंभे हमने लगा रखे हैं, तो इसमें जाल बनाएंगे, इन जालों पे जाएगा ये करेला। और वर्टिकल में भी ऊपर से भी जाल बनाएंगे, दोनों पोजीशन में, हॉरिजॉन्टल में भी वर्टिकल में भी। तो इस तरह से हमारा ये करेले की हम खेती कर रहे हैं। और जो हमारा ये नमो फार्म है, यहाँ पे हमने शिमला मिर्च भी लगा रखी है, ये देखिए कपड़ों में भी लगा रखी है शिमला मिर्च, ये है। और आगे हमारा इधर टमाटर है, ये भी ये जैसे कि हमारा, मैं पहले भी बताया था, ये दो जगह हम खेती कर रहे हैं, एक 1000 स्क्वायर यार्ड है। और इसमें ही हम कोशिश कर रहे हैं कि इतनी फसल पैदा हो जाए कि एक हमें मान के चले कि हम उद्योग में काम कर रहे हैं। जिस प्रकार जब हम नौकरी करते हैं तो उसमें हम एक नियत टाइम पे जाते हैं, 9 बजे जाते हैं, 6 बजे छुट्टी करते हैं, तो उसी तरह हमने भी ये खेती के लिए टाइम निकाला है। 4 घंटे पर डे, 2 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम को हम काम करते हैं इसमें। और इसमें ये हमारा ये उद्देश्य है कि एक हमारे जो युवा उद्यमी हैं उनके लिए प्रेरणा मिले, जो कुछ करना चाहते हैं लेकिन उनको रास्ता नहीं दिख रहा है, तो हमारी कोशिश है कि कुछ न कुछ रास्ता हम दिखाने की कोशिश करते हैं अपने नमो न्यूज के माध्यम से। और आगे हम वो भी देखेंगे, उद्योग धंधे या दुकानों के संबंध में जो भी हमारे मित्रगण कर रहे हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे, किस तरह से ये बेरोजगारी को दूर किया जाए और जो खेती है इसको खेती और किसान से हटा के इसको उद्योग का दर्जा दिया जाए, ताकि युवा इस पे एक उद्योग की तरह काम करे। धन्यवाद। और हमारे व्यूअर्स को के लिए हमारा हमेशा संदेश रहता है कि आपकी उन्नति में ही हमारी उन्नति है, और आप उन्नति करेंगे तो हम उन्नति करेंगे, हम आपके मंगलमय जीवन के लिए प्रार्थनी हैं। धन्यवाद। और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। नमो नारायण।